हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द आर्या एकेडमी। वी आर गोइंग टू सी सेकंड चैप्टर सेवंथ स्टैंडर्ड इन महाराष्ट्र बोर्ड, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम लोग भैया प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करने चल रहे हैं। तो प्लांट के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या फंक्शन, उन स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं, हम लोगों ने अपने आसपास में अगल बगल में बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं। जो प्लांट्स हम लोग देखते हैं, हम लोग मुख्य रूप से उसमें जानते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, मेनली थ्री पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसी रूट, स्टेम, लीव्स में रूट का फंक्शन अलग है, स्टेम का फंक्शन अलग है, लीफ का फंक्शन अलग है। साथ ही साथ इनका जो इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया, दिया गया है व्हाट हेल्प अस टू इजली आइडेंटिफाई द प्लांट अराउंड अस। आप कैसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे प्लांट को, जो आपके अराउंड आपके अगल बगल में कोई प्लांट है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अगर गुलाब का फूल है, गुलाब का प्लांट है, हम बता देते हैं गुलाब है, कैसे जाने कि आप गुलाब हैं। गेंदा है, कैसे जाने। मैंगो है, कैसे जाने। तो हम लोग कैसे जानते हैं, तो हम लोग ऐसे जानते हैं उसकी पत्तियों को देख करके, उस पर लगे हुए फ्लावर्स को देख करके, उस पर लगे हुए फ्रूट्स को देख करके, उस पर लगे हुए सीड्स को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि कैसे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बने कैसे, उसको भी देखते हैं। आगे दिया है नेक्स्ट, विच आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के कौन कौन से वेरियस पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट के वेरियस जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं रूट होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होते हैं और सीड होता है। तो जैसे कि जो प्लांट होगा उसका मेन वो होगा, हम आप लोगों ने प्लांट्स को देखा होगा, कोई भी प्लांट होगा, मान लो यहाँ प्लांट इसके नीचे ऐसे हम लोग देख लेते हैं, रूट हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रूट हो जाएगी, इसके ऊपर ऐसे स्टेम हो जाएगी, अब इस पे ऐसे ऐसे पत्तियाँ लगी हुई होंगी, इसको हम लोग लीफ बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीफ, और इसी के ऊपर ये फ्लावर लगा, ये क्या हो गया हमारा, एक प्लांट हो गया। लेकिन ये प्लांट जो आया, आया कहाँ से। तो एक प्लांट कभी भी जर्मिनेट होगा एक सीड से, कैसे होगा, सीड से होगा, एक सीड ही हम लोग देखते हैं क्या हमारा सीड होता है। यही सीड जो होता है, आपने सीड में बहुत सारे सीड हम लोगों ने देखा, सीड मतलब बीज होता है। सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका हम लोग देखते हैं हम लोगों के घर में चना, जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चना, देखा होगा चना हम लोग देखते हैं, तो चना में एक जगह देखते हैं हम लोगों के थोड़ा से नोज जैसा दिखता है कि उसको हम लोग चने की नाक ना, अब वहीं पे देखेंगे चना जो होता है डाइकोटिलेडॉन्स होता है, डाई मतलब द्विबीजपत्री होता है। और हम लोग कुछ सीड जैसे हम लोग राइस को देखते हैं, जैसे हम व्हीट को देखते हैं, ये क्या मोनोकॉट होते हैं। तो हम लोगों के जो हमारा ये प्लांट्स होता है, ये दो जो हायर प्लांट होता है दो पार्ट्स में बटा हुआ, एंजियोस्पर्म दो पार्ट में बटा होता है, एक को हम लोग मोनोकार्ड बोलते हैं, एक को डाइकार्ड बोलते हैं। जिस सीड में दो पार्ट्स होता है उसको हम लोग डाइकार्ड बोलते हैं, और जिस सीड में सिंगल एक पार्ट होता है उसको हम लोग मोनोकार्ड बोलते हैं। मोनोकार्ड जो होता है लेस डेवलप्ड होता है, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। डाइकार्ड जो होते हैं बड़े पौधे होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, इसमें वुड पाया जाता है, हार्ड वुड पाया जाता है। तो ये हम लोगों के प्लांट्स के हमने आपको कैरेक्टर बता दिए। लेकिन अब सीड की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं जब हम इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल में डालते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो फूल जाता है, और जब फूलता है तो जहाँ ये मेन पार्ट होता है यहीं से एक इधर और एक इधर दो पार्ट्स निकलते हैं। जो नीचे की तरफ जाता है, जो नीचे की तरफ जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडिकल बोल देते हैं, और यही रेडिकल जो होता है रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है, सॉइल के ऊपर निकलता है, जो कि इसी को हम लोग प्लीम्यूल बोलते हैं, और ये क्या कर लेता है, स्टेम बन जाता है, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे पत्तियाँ लग जाती हैं। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला प्लीम्यूल हो गया, नीचे वाला रेडिकल्स हो गया, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लीम्यूल से
स्टेम का फार्मेशन होता है, तने का फार्मेशन होता है। और किसी भी प्लांट की शुरुआत कहाँ से होगी, एक सीड से शुरू होती है। सीड जो होता है, हम लोग देखते हैं सीड क्या है। सीड क्या है कि वो जो हम लोग जिसे खाते हैं उसको, वो अपने लिए फूड मटेरियल स्टोर करके रखा है जर्मिनेट करने के लिए, जर्म्स करने के लिए। और वो इसका एम्ब्रियो है, उसी एम्ब्रियो को हम लोग क्या करते हैं, अपने एम्ब्रियो में वो क्या करता है, फूड न्यूट्रिएंट्स रखा है और बचाए रहता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं एक बार पैदा होता है और हम लोग बना के रखे रहते हैं, एक साल के बाद फिर से सॉइल में डालते हैं, फिर से जर्मिनेट कर जाता है उसकी एम्ब्रियो। तो भैया वो क्या अपने लिए रखता है, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो उसमें से जो निकलता है, दो पार्ट से निकलता है, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लिम्यूल्स बोल देते हैं, और एक को रेडिकल। रेडिकल से किसका निर्माण होता है, रूट का। प्लिम्यूल से किससे का निर्माण होता है, शूट का निर्माण होता है या स्टेम का निर्माण होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो यहाँ से देखते हैं, द रूट स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स इटीसी। रूट स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स इटीसी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट कैरेक्टर। और हम लोग प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते इसी कैरेक्टर, इसी लक्षण के कारण। लेट अस नाउ एक्वेंट आवर सेल्फ विथ दीज प्लांट ऑर्गन इज ग्रेट डिटेल्स। अब हम लोग इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों को मैंने बताया मेन कितने कौन पार्ट हैं, रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखने चल रहे हैं, रूट को देखने चल रहे हैं। किसको देखने चल रहे हैं, रूट को देखने चल रहे हैं। तो आइए हम रूट के बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा से यहीं पे जानकारी दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोई सॉइल है, इस सॉइल से एक पार्ट हम लोग देखते हैं ऐसे निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट। ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, नीचे की तरफ पतला होता है, फिर इसी से क्या लेटरल ऐसे बगल बगल में ब्रांचिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसी पे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर जो हम लोगों को आँखों से नहीं, इसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे, इसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। तो ये जो मेन यहाँ से जो ब्रांचिंग, ये वाली ब्रांचिंग आई, इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। अब इससे जो ये वाली ब्रांच निकली, इसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे निकले, क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। तो रूट, ये तो रूट की संरचना हो गई। अब इस रूट की संरचना, इसका कुछ काम होगा। रूट का मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, प्लांट्स को। तो इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, अब किसके सहारे रहेंगे, ऊपर स्टेम में तो मिट्टी लगी नहीं है, या उस पर हम लोगों ने, या नेचर ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि उनको साइड से सपोर्ट दिया है, ऐसा नहीं। इसलिए वो क्या, जमीन से कैसे अटैच रहेंगे, वो रूट के ऊपर ही डिपेंड करता। और क्या करता है, जो सॉइल के अंदर, लैंड्स के अंदर जो वाटर है, मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ये अवशोषित करता है, और कहाँ ले जाता है, लीफ तक, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुँचाने का काम कौन करता है, रूट करता है। इसका दो मुख्य काम हो गया। अब ये जो रूट होता है, इसके रूट का जो, इसका जो भाग होता है, इसमें दो तीन पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है रूट का, शुरू वाला पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसी को हम लोग परिपक्व मैच्योर जोन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, मैच्योर जोन बोल देते हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग इलांगेटेड जोन बोल देते हैं, और यहाँ वाला जो भाग होता है, मेरिस्टमेटिक जोन बोल देते हैं। इसके ऊपर रूट कैप पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रूट कैप, रूट कैप। अच्छा, रूट कैप क्यों, अरे भैया प्लांट है, अब उसकी जो रूट है कहीं, अब हम लोग लगाते हैं जहाँ प्लांट को जर्मिनेट करा दिए, तो नीचे सैंड है और रॉक्स है, चट्टाने हैं, उसके अंदर इंटर करना है, उसको घुसना है, पेंट्रेट करना है। अगर ये कैप नहीं होगी, ये वाली कैप अगर नहीं होगी, तो जो रूट है टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो जाएगी तो प्लांट का सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन, उसका मैकेनिकल सपोर्ट
टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, प्लांट गिर जाएगा। इसलिए भैया इसके ऊपर रूट नेचर ने क्या करके कैपिंग कर दिया है, अब इसको आगे बढ़ना। फिर यहाँ पे मेरिस्टमेटिक जोन पाया जाता है। मेरिस्टमेटिक मतलब ये होता है प्लांट में, अभी हम लोग जब टिश्यू पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे, जहाँ पर प्लांट का सेल का डिवीजन होता है उसको हम लोग मेरिस्टमेटिक जोन बोलते हैं। थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको कठिन बता रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको रूट पूरे जीवन में आप कभी भी पढ़ें, चाहे आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन बीएससी कर लें, आपको हमेशा यही चीज़ मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये मैचुरेशन। अब ये जो रूट होगी, जो यहाँ पे मैचुरेशन जोन होगा, वो सेल का ऐसे ऐसे फॉर्मेशन, उसके ऐसे ऐसे ढेर सारी सेल बनेंगी। अब सेल बनेंगी तो ये सेल, जो एक सेल आगे है, वो सेल ऊपर वाली सेल को बनाती जाए और ये सेल क्या हो जाती है, मैच्योर होती जाएंगी। और यहाँ पर पूरा जो होता है, ये मैच्योर जोन होता है, परिपक्व जोन होता है, जहाँ पे मैच्योर जोन होता है वहीं से रूट हेयर, यहीं से, सब जगह से रूट हेयर नहीं निकलेंगे, सिर्फ इसी पार्ट से रूट हेयर। तो रूट हेयर किस पार्ट से निकलती है, मैचुरेशन जोन से निकलती है, जहाँ पर मैच्योर रूट होती है, प्राइमरी रूट जहाँ पे मैच्योर होती है वहीं से रूट हेयर निकलती है, बाकी सब जगह से रूट हेयर नहीं निकलती। हम लोग देख लिए रूट, रूट में सबसे टिप पे क्या होता है, रूट कैप होता है, क्योंकि उसको रूट को टूटने से बचाता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, मेरिस्टमेटिक जोन होता है, जो क्या करता है, विभाजन करने का, रूट को लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। फिर वो मैचुरेशन जोन के ऊपर जो होता है, सॉरी मेरिस्टमेटिक जोन के ऊपर इलांगेशन लंबी जोन होती है, इलांगेशन जोन जो लंबाई के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके ऊपर मैचुरेशन जोन होता है, उसी मैचुरेशन जोन से रूट हेयर निकलता है। रूट का मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट्स को। और क्या करता है भैया, उसका एक काम और है, वो जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, उसको एब्जॉर्ब करके, पृथ्वी से एब्जॉर्ब करके, अर्थ से एब्जॉर्ब करके, प्लांट के लीफ और अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे हम चलते हैं। दिया है, कीप ए मॉइस्टेंड बॉल ऑफ क्रैम्पल्ड पेपर इन द कॉनिकल फ्लास्क। ये आपको प्रयोग करने के लिए दिया गया है, आप लोग क्या करिए, एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें क्रैम्पल्ड मुड़ा हुआ पेपर डालिए, मोड़ के पेपर डालिए, उसको मॉइस्ट करते रहिए, भिगोते रहिए, और उसको हम लोग उसके अंदर, उस पेपर के अंदर ग्राम चना का और मौत का सीड डाल दीजिए, और 2-3 दिन में ऑब्जर्व करिए, देखिए उसमें क्या परिवर्तन, क्या चेंजेज आते हैं। तो आप देखेंगे वो जो सीड डालेंगे ग्राम का, फूलेगा, फूल करके उस बड़ा हो जाएगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, और जो उसका नोज है, उसी नोज वाले रीजन से एक नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ एक शूट का फॉर्मेशन होगा, और 2-3 दिन में हम लोग देखेंगे तो उस क्या हो जाएगा, उसमें हल हल पत्तियाँ लग जाएंगी, पत्ती निकल आएगी। तो ये हम लोग परिवर्तन देख, आप इसको करके देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया है, अभी इसी के बारे में हमने आपको बताया, ये दिया है प्लीम्यूल दिया है, प्लीम्यूल का मतलब ये किसको, सूट को बढ़ा रहा है, और ये जो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेड किल बोल देते हैं, यही रेड किल बाद में क्या हो जाती है, रूट में डेवलप्ड हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, द पार्ट दैट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड सॉइल इज कॉल्ड एज रेड किल। एक ऐसा पार्ट, भाग जो ग्रो करता है इनसाइड द सीड, इनसाइड द सीड की तरफ से, टूवर्ड सॉइल किधर की तरफ, सॉइल की तरफ, सॉइल की तरफ जो बढ़ता है उसी को हम लोग का क्या कह देते हैं, रेडिकल कह देते हैं। एंड अ पार्ट, एक पार्ट ग्रो अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर जो ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लिम्यूल कह देते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे सॉइल है, ये क्या, यहाँ से अगर देख लिया जाए, एक इधर सॉइल की तरफ, नीचे की तरफ, इस सॉइल के ऊपर आया है, जो नीचे की तरफ गया उसको हम लोग रेड किल बोल देते हैं, और जो ऊपर तरफ गया उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लीम्यूल बोल देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, देखते हैं, द रूट दैट फार्म्स फ्रॉम द रेड किल, जो रूट होता है हमारा बनता है किससे, रेड किल से, ग्रो ग्रो इनटू द ग्राउंड, और जो ग्रो करता है ग्राउंड की तरफ, ठीक नीचे की तरफ, द रूट इज ठीक नियर द ग्राउंड, जो रूट जो होगी वो ग्राउंड की तरफ क्या होगी, मोटी होगी, ठीक होगी। एंड पॉइंटेड, हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, हमेशा ऐसे हो गई, ग्राउंड हो गया, यहाँ कैसी होगी, चौड़ी होगी, नीचे की तरफ कैसी, पतली होगी, ऐसे ऊपर की तरफ कैसी हो गई, ठीक हो गई,
और नीचे की तरफ कैसी हो जाएगी, ग्रेजुअली टेपर्ड द पॉइंट द एंड, इन तरफ कैसी हो जाएगी टेपर, टेपर मतलब पतली होगी, पॉइंटेड होगी। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड एज रूट। और ये जो प्लांट होता है बिलो सॉइल फॉर सपोर्ट, और क्या करता है सपोर्ट के लिए, किसको, प्लांट को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं। रूट आर सम प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स, कुछ प्लांट के जो रूट होते हैं, अब ये देखिए हम लोगों का प्राइमरी रूट है और ये कौन सा है सेकेंडरी रूट होता है, जो हायर प्लांट होते हैं उसमें सब में सेकेंडरी रूट, कभी कभी टर्सियरी रूट भी देखने को मिलता है, ठीक। हाँ सेकेंडरी दैट ग्रो ऑब्लिक, और ये कैसे ऑब्लिक होता है, इसको हमने बताया था कि कैसा होता है ऑब्लिक होता है, ठीक। एंड ऑब्लिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा होता है, ऑब्लिक मतलब तिरछा। एंड एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल, और स्प्रेड जाता है किसमें, वाइड चौड़ाई में, एंड सॉइल रूट सपोर्ट द प्लांट, रूट क्या करता है प्लांट को सपोर्ट देता है। दिस टाइप्स ऑफ रूट इज कॉल्ड ए टैप रूट, ये वाला जो रूट होता है जिसमें एक प्राइमरी रूट पाई जाती है बगल बगल लेटरल में, ऑब्लिक थोड़ा सा तिरछा सेकेंडरी रूट पाई जाती है, सेकेंडरी रूट के ऊपर रूट हेयर पाया जाता है, रूट कैप अभी हमने बताया था, ये देखिए रूट कैप यहाँ दिख रहा है, ये रूट टिप दिख रहा है, और ये जो रूट टिप होता है यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं भैया, तो इसमें क्या है ऐसी रूट जहाँ पे हम लोग दिखाई देगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे टैप रूट बोलते हैं। और जो रूट होती है मेनली रूट की अगर बात करें तो रूट टू टाइप्स होती है, हम लोग दो टाइप की रूट की बात करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं टैप रूट, एक को क्या बोलते हैं टैप रूट, और दूसरी वाली जो होती है हम लोगों की वो उसको हम लोग बोल देते हैं फाइब्रस रूट, उसको हम लोग बोल देते हैं फाइब्रस रूट, उसको हम लोग बोल देते हैं फाइब्रस रूट, अभी हम उसकी मीनिंग लिख देंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे फाइब्रस रूट। और एक होती है एडवेंटेटियस रूट, जो एडवेंटेटियस रूट होती है अभी उसके बारे में हम बताएंगे, जो रूट प्लीम्यूल के अलावा, प्लीम्यूल्स के अलावा जो उसका मेन रूट का मेन पार्ट होता है प्लीम्यूल्स के अलावा निकलती है उसको हम लोग कैसी रूट बोल देते हैं एडवेंटेटियस रूट बोल देते हैं, और जो रूट प्लीम्यूल से निकलती है उसको टैप रूट बोल देते हैं, और जिस रूट में टैप रूट क्या हो जाती है सॉरी प्लीम्यूल्स क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, जैसे प्लीम्यूल्स ये है यहाँ से निकला और ये नष्ट हो जाए, अब इसके पार्ट से स्टेम का ही भाग नीचे हो, इसी से बहुत सारे रूट ऐसे ऐसे निकल जाए उसी को हम लोग फाइब्रस रूट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं फाइब्रस। तो मेनली रूट कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, एक को हम लोग टैप रूट दूसरे को हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। बात यहाँ तक हो गई, हम ऐसी रूट को क्या बोलेंगे टैप रूट बोलेंगे, जो टैप रूट होती है वो क्या करती है हमको टैप रूट भैया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। रूट बियर हेयर लाइक प्रोसेस नियर द रूट टिप, रूट टिप के पास कैसी हेयर लाइक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं रूट हेयर। और याद रखना यही रूट हेयर ही जो होता है पानी का, वाटर का एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। द रूट टिप इज इज डेलिकेट, जो रूट टिप होता है द रूट टिप डेलिकेट, दिस इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ टिप, और जो रूट टिप होता है यही जिम्मेदार होता है डेलिकेट होता है दिस रीजन द ग्रोथ ऑफ द रूट, रूट को बढ़ाने के लिए, रूट को लंबाई में बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है रूट टिप होता है। क्यों रूट टिप ऐसा होता है, क्योंकि इसी के पास मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाया जाता है। द टिप इज द टिप इज कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट कैप, और जो रूट टिप होता है उसको एक रूट कैप के द्वारा कवर्ड किया जाए, क्यों कवर्ड किया जाए मैंने बताया क्योंकि ये टूट न जाए, अगर टूट जाएगा तो इसका विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए नेचर ने इसको क्या कर दिया कैप कर दिया है। द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप्स फ्रॉम इंजरी, और जो रूट कैप होता है प्रोटेक्ट करता है रूट टिप्स को फ्रॉम इंजरी से बचाने के लिए। तो ये बात हो गई हमारे रूट्स की। अब रूट्स में क्या होता है भैया, कभी कभी इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, रूट क्या करती है मॉडिफाई कर लेती है,
किसके रूप में? हम लोग रूट में देखते हैं कहीं भी, अगर आप जिसे हम लोग देखते हैं मूली देखा होगा, क्या है? रूट है। कैसे जानोगे कि रूट है? क्योंकि हम लोग उस मूली में नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे मूली है, मूली ऐसे बनती है, ये वाला ऊपर वाला भाग पतला होगा, बीच वाला भाग चौड़ा हो, नीचे वाला पतला, इस पे हल्के छोटे छोटे हेयर पाए जाएंगे, ठीक ना? और फिर हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं फ्यूजी फार्म होता है। कैसा होता है? फ्यूजी फार्म होता है। हम लोग किसको देखते हैं? कैरेट को देखते हैं ना। कैरेट कैसा होता है? कोनिकल होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे की तरफ पतला होता है, कोन लाइक होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं कोनिकल बोल देते हैं। ये जो रूट है, गाजर है, मूली है, ये क्या है? ये रूट है। क्यों इतना हो, कैसे भैया? क्योंकि ये क्या किया, अपने लिए फूड मटेरियल का स्टोर किए थे, और कैसा हो गया, सॉइल फूल गए हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, अब विटामिन ए वगैरह सब इसके अंदर स्टोर्ड है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, फूल करके मोटे हो जाते हैं, ठीक। लेकिन है क्या, रूट का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये बात हो गई हमारे रूट की। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया है, आप इस फिगर को देखिए, हम लोग ऐसे देख सकते हैं रूट कैसे ऑब्जर्व होती है, कैसे बढ़ती है, हम लोग बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। और अभी रूट के बारे में कुछ चीज़ें और हैं, और कई प्रकार की रूट पाई जाती है, हम लोग देखते हैं, हम लोग पास बनियान ट्री होता है जिसको हम लोग बरगद कहते हैं, उसके पास प्रॉप रूट होती है, एक्चुअल में वो क्या है, सपोर्टिंग रूट होती है वो, उसके लिए हम लोग देखते हैं उसके यहाँ, किसके यहाँ, मक्का देखते हैं, हम लोग शुगर केन देखते हैं, उसमें अलग प्रकार की रूट पाई जाती है। तो इसके हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसके बारे में विधिवत आपको बताएंगे। तब तक आप इस रूट के बारे में, रूट का मेन फीचर क्या है, मेन फंक्शन क्या है, उसके बारे में ध्यान देखिए। साथ ही साथ रूट में कितने जोन मैंने बताए, मेनली 3 जोन बताए हमने। रूट कैप पाया जाता है, मेरिस्मेटिक जोन पाया जाता है, इलांगेशन जोन पाया जाता है, मैचुरेशन जोन पाया जाता है, उसी मैचुरेशन जोन में रूट हेयर पाया जाता है। सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको बता दी। प्लीम्यूल से रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? प्लीम्यूल से, कि रेडिकल से, तो आप याद रखिए रेडिकल से होता है। सारी चीज़ें आपको बता दिया है। आप एक बार फिर से इसको कई बार वीडियो को देखिए, समझिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।